ये कहानी एक ऐसी दीवार घड़ी की है जो समय बताने के अलावा अपने मालिक की किस्मत भी तय करती है। इसके पीछे छुपे रहस्यों और पुरानी दास्तानों को सुनकर आप भी सिहर उठेंगे, क्योंकि ये घड़ी केवल समय नहीं बल्कि मौत का भी हिसाब रखती है। तो चलिए सुनते हैं इस खौफनाक कहानी को। राहुल, जो अपने एक प्यारे से बंगलों में अपनी पत्नी शीतल के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। राहुल को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे पता चलता है कि शहर में एक जगह पुरानी चीजों की नीलामी हो रही है। शीतल को राहुल का इस तरह पुरानी चीजें घर लाना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बात को लेकर उनके कई बार झगड़े भी हो जाया करते थे। इसीलिए जब राहुल को इस नीलामी के बारे में पता चला तो राहुल शीतल को बिना बताए ही उस जगह पर चला गया। राहुल ने जब वहां पर पहुंचकर देखा तो उसे उस नीलामी में कई पुरानी और दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिली। राहुल को वो सारी ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी राहुल की नजर एक पुरानी और बहुत ही आकर्षक दीवार घड़ी पर पड़ जाती है। वो घड़ी काले रंग की होती है और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा होता है जो समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी बनावट इतनी विचित्र और पुरानी होती है कि राहुल के दिल में उसे खरीदने की इच्छा जाग उठती है और इसीलिए राहुल ने उस नीलामी में बढ़ चढ़कर बोली लगाई और आखिरकार वो घड़ी राहुल को मिल ही गई। उस घड़ी को पाकर न जाने क्यों पर राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद राहुल घर लौटता है और घड़ी को दीवार पर लगा देता है। जैसे ही शीतल उस घड़ी को दीवार पर देखती है, शीतल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो राहुल पर काफी नाराज होती है, लेकिन फिर राहुल उसे कैसे भी करके मना लेता है कि ये बस आखिरी बार है, इसके बाद मैं ऐसा कोई पुराना सामान घर पर नहीं लाऊंगा, आई प्रॉमिस। कुछ देर तो शीतल नाराज रहती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। राहुल उस घड़ी की पुरानी कलाकृति को देखकर बहुत खुश था। उस घड़ी को देखकर ही लगता था कि न जाने वो कितने कितने सालों पुरानी है। राहुल तो उस घड़ी को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसने अपने घर में क्या मुसीबत बुला ली है और अब कैसे उसकी ये ही खुशी एक भयानक दर्द में बदलने वाली है। एक ऐसा दर्द जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। अब शाम होते होते घड़ी की अजीब सी टिक टिक घर में गूंजने लगती है। ये आवाज सामान्य से ज्यादा तेज और विचलित करने वाली होती है, लेकिन राहुल इसे नजरअंदाज कर देता है। शीतल उसे कहती भी है कि इसकी आवाज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन राहुल उसे ये कहकर मना लेता है कि ये घड़ी काफी पुरानी है, शायद इसलिए इसमें से ऐसी आवाज आ रही है। अब हर रात घड़ी की सुइयां धीरे धीरे एक अजीब तरीके से घूमने लगती है, मानो समय के साथ कोई खेल खेल रहा हो। एक दिन रात के गहरे अंधेरे में जब राहुल और शीतल सो रहे होते हैं, तब राहुल को सपने में एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। सपने में वो एक पुरानी जर्जर हवेली में खड़ा होता है और उस हवेली के हर कमरे से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वो वहां किसी को देख नहीं पाता। अचानक से राहुल ने देखा कि उस हवेली के अंदर दीवार पर वही घड़ी लगी हुई थी। जैसे ही राहुल ने हवेली में उस घड़ी को देखा, उसी पल उसे अपने सीने में एक तीव्र दर्द महसूस होता है और तभी अचानक वो चौंक कर जाग जाता है और अपने पूरे शरीर को पसीने में भीगा हुआ पाता है। राहुल डर के मारे चिल्लाने लगता है, तभी शीतल भी उसकी आवाज से उठ जाती है और उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर वो उसे पूछती है,
क्या हुआ राहुल, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? लेकिन राहुल उसे उस सपने के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सोचकर कि अगर शीतल को इस घड़ी वाले सपने के बारे में पता चला तो वो खामखा टेंशन में आ जाएगी। वैसे भी उसे तो इस घड़ी की आवाज से भी चिढ़ है, इसे कुछ भी बोलूंगा तो घड़ी को ही उठा के बाहर फेंक देगी। ये सब सोचते हुए राहुल ने शीतल से कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ देख लिया था सपने में, तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। और इतना कहकर वो शीतल को तो सुना देता है, लेकिन ये घटना राहुल को काफी ज्यादा विचलित कर देती है। पूरी रात वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये ही घड़ी मेरे सपने में क्यों आई, मैं उस हवेली में क्यों खड़ा था, क्या मैं पहले भी कभी उस हवेली में गया हूं, आखिर उस घड़ी को वहां देखते ही मुझे दर्द क्यों होने लगा, आखिर इस सपने का क्या मतलब है। और यही सोचते सोचते राहुल की सारी रात बीत जाती है। हालांकि ये केवल शुरुआत थी और घड़ी के साथ होने वाली घटनाओं का सिलसिला यही खत्म नहीं होने वाला था, बल्कि असली कहानी तो अब ही शुरू होने वाली थी, जिसका राहुल और शीतल को अंदाजा तक नहीं था। राहुल के सपने के बाद से ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब पूरे घर में गूंजने लगती है, दिन और रात के किसी भी समय। शीतल को लगता है कि ये घड़ी घर में नेगेटिव एनर्जी फैला रही है, वो राहुल से इसे हटाने की मांग करती है, लेकिन राहुल इसे एक बेवकूफी मानता है और घड़ी को दीवार पर ही रहने देता है। धीरे धीरे घर में अन्य अजीब घटनाएं होने लगती है। रात के समय दरवाजे बिना किसी वजह के खुलने और बंद होने लग जाते हैं। कभी कभी शीतल को लगता है कि घर में कोई और भी है, लेकिन जब वो देखने जाती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। राहुल भी इन घटनाओं से अब डरने लगता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि ये सिर्फ उनका भ्रम है। एक रात जब शीतल और राहुल सो रहे होते हैं तो अचानक घड़ी के साथ कुछ अजीब होता है। घड़ी की सुइयां रुक जाती है और तभी पूरे घर की बत्तियां बंद हो जाती है। राहुल और शीतल दोनों उठकर देखने जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब बत्तियां वापस आती है तो वो देखते हैं कि घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही है। अब राहुल घड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो घड़ी को छूता है उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। वो घबरा कर पीछे हट जाता है और तभी अचानक घड़ी फिर से सामान्य हो जाती है। इस घटना के बाद राहुल और शीतल दोनों घड़ी को लेकर बेहद डरे हुए रहते हैं। ये घड़ी अब उनके जीवन में एक अनचाही उपस्थिति बन चुकी थी, जिसे वे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो ये था कि ये घड़ी महज एक यंत्र नहीं बल्कि एक घातक रहस्य का दरवाजा थी, जिसे खुलने से अब कोई नहीं रोक सकता था। रात के गहराते सन्नाटे में जब वो दोनों सो रहे थे तभी एक बार फिर घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज हो जाती है। ये आवाज इतनी विचलित करने वाली होती है कि शीतल की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है कि घड़ी की सुइयां फिर से उल्टी दिशा में घूम रही है, लेकिन इस बार उसे दीवार पर एक अजीब परछाई भी दिखाई देती है। ये परछाई घड़ी के ठीक नीचे होती है और धीरे धीरे शीतल की ओर ही आगे बढ़ने लगती है। शीतल को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वो बार बार अपनी आंखें मसल कर देखती है तो वो परछाई वैसी ही बनी रहती है। वो राहुल को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शीतल का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। वो बस उस परछाई को
अपने करीब आते हुए देख रही थी। डर के मारे उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, पर वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक राहुल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि शीतल घबराई हुई है। इससे पहले कि वो शीतल से कुछ पूछे कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो, राहुल भी उसी दिशा में देखने लगता है जहां शीतल देख रही थी। और सामने का नजारा देखकर राहुल के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने भी उस भयानक परछाई को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब राहुल और शीतल दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से हिल पा रहे थे। तभी कुछ सेकंड्स बाद अचानक वो परछाई वहां से गायब हो जाती है और उस घड़ी की टिक टिक और तेज हो जाती है। अब कमरे में कुछ था तो वो था गुप्त अंधेरा, एक भयानक सन्नाटा और उस घड़ी की वो डरावनी टिक टिक। कुछ पलों बाद जब राहुल और शीतल इस भयानक सदमे से थोड़ा बाहर आए और अपना होश संभाला, तो शीतल जोर जोर से रोने लगी और राहुल से कहने लगी, राहुल मैंने तुमसे कहा था ना, ये घड़ी कुछ ठीक नहीं है, तुम अभी के अभी इसे उतार कर बाहर फेंक दो। अब राहुल भी उस घड़ी को वहां से हटाने के लिए उठता है, लेकिन एक बार फिर घड़ी को हाथ लगाते ही उसे वही जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो पीछे हट जाता है। अब वो दोनों चाहकर भी उस घड़ी को वहां से हटा नहीं पाते। उसके अगले ही दिन राहुल कई सारे लोगों से उस घड़ी को हटाने के लिए उनसे हेल्प लेता है, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे शीतल और राहुल जाने अनजाने खुद ही इस घड़ी के जाल में फंसते जा रहे थे। इस रात के बाद से उनके घर में हमेशा डर का माहौल छा जाता है। शीतल रातों को सो नहीं पाती, उसे हर वक्त किसी के देखने का एहसास होता है। उसे कुछ देर नींद भी आए तो सपने में भी वही परछाई नजर आती है। राहुल का मन भी उस घड़ी की वजह से हमेशा डर में ही रहता है। अब वो भी अपने ऑफिस नहीं जाता और घर से ही अपना काम करता है, क्योंकि वो शीतल को उस भूतिया दीवार घड़ी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता था। अब तो घड़ी की वो भयानक टिक टिक उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। अब शीतल और राहुल ने डिसाइड किया कि वो इस घड़ी को तो यहां से नहीं हटा सकते, लेकिन वो इस घर को तो खाली कर ही सकते हैं। और यही सोचकर राहुल अब एक नए घर की तलाश करने लगा। एक रात जब राहुल अपने लैपटॉप में अपने ऑफिस का ही काम कर रहा था और शीतल उसके पास बैठे हुए बस इस मनहूस घड़ी के बारे में ही सोच रही थी, अचानक उन्हें उनके कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। और वो आवाज इतनी तेज थी कि उन दोनों के कानों में ही दर्द होने लगा। जैसे जैसे वो आवाज बढ़ रही थी, घड़ी की टिक टिक भी तेज होती जा रही थी। फिर वो आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी। उस आवाज से परेशान होकर राहुल और शीतल ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वो आवाज इतनी बढ़ गई कि वो दोनों पति पत्नी उसे सहन ही नहीं कर पाए और दोनों वही बेहोश हो गए। सुबह जब राहुल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शीतल फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वो शीतल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो शीतल के शरीर को हाथ लगाता है तो शीतल का शरीर किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है। वो शीतल को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर सुलाता है। कुछ देर बाद
शीतल को होश आ जाता है। होश में आते ही शीतल बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, वो मुझे मार डालेगी, वो आ रही है, वो मुझे मार देगी, मुझे नहीं मरना। और ऐसा कह कहकर वो जोर जोर से रो रही थी। शीतल की ये हालत देखकर राहुल बहुत दुखी हो जाता है और वो भी रोने लगता है। उसे अपने मन ही मन इस बात का दुख था कि आखिर वो इस घड़ी को घर में लाया ही क्यों, उसी की वजह से आज शीतल की ये हालत है। शीतल अब हर वक्त बीमार रहने लगी, कोई भी दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही थी। राहुल ने एक से एक डॉक्टर को बुलाया लेकिन कोई भी शीतल की बीमारी का पता ही नहीं लगा पा रहे थे और कोई भी दवाई शीतल के शरीर पर काम ही नहीं कर रही थी। धीरे धीरे शीतल ने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब उसका शरीर बहुत कमजोर होने लगा। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। वो बस चिल्लाती रहती और पागलों की तरह रोती रहती। बार बार वो राहुल से कहती, देखो वो आ रही है, वो मुझे मार डालेगी, राहुल जल्दी चलो वरना वो हमें मार देगी। राहुल दिन ब दिन शीतल की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत परेशान था। वो खुद अब कमजोर पड़ने लगा था और यूं ही रोता रहता था। हर वक्त वो शीतल के पास बैठा रहता, उसका ख्याल रखता। शीतल जिसकी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, एक रात वो यूं ही राहुल के गोद में लेटी हुई थी और अचानक से उस घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, देखो राहुल वो आ रही है, मुझे बचा लो राहुल। राहुल ने जब घड़ी की तरफ देखा तो उसे वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शीतल बार बार उसे घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी। राहुल ने शीतल से बहुत पूछने की कोशिश की, शीतल कि तुम क्या कह रही हो, यहां पर कोई भी नहीं है, शीतल यहां सिर्फ मैं हूं। लेकिन शीतल यही कहते कहते राहुल की गोद में ही दम तोड़ देती है और राहुल बस उसे देखता रह जाता है। उसकी प्यारी पत्नी उसी की गोद में रोते रोते हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। राहुल को कुछ भी महसूस नहीं होता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। एक भयानक सा सन्नाटा उसके आसपास फैला था। अचानक से शीतल बोलती बोलती चुप हो गई थी। राहुल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। काफी देर तक वो यूं ही शीतल का हाथ पकड़े हुए बस बैठा रहा और शीतल को देखता रहा और फिर इसी गहरे सदमे में एक जोरदार चीख के साथ राहुल जोर जोर से रोने लगा। उसे ये एहसास हो गया था कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही और अब वो उसे छोड़कर जा चुकी है। राहुल पूरी रात यूं ही शीतल को अपनी बाहों में लिए बस रोए जा रहा था। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अपने आप को कोस रहा था, अपने आप को मार रहा था कि मैंने मेरी पत्नी की जान ले ली। शीतल की मौत के बाद राहुल पूरी तरह से टूट जाता है। वो हर समय शीतल की यादों में खोया रहता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये ख्याल भी आता है कि इस घड़ी से जुड़ा कोई ना कोई रहस्य जरूर है। इस घड़ी ने मेरी शीतल की जान ली है, मैं इसके पीछे का सच जानकर रहूंगा। और अब वो इस घड़ी के पीछे छिपे इतिहास को जानने की ठान लेता है। इसके बाद राहुल उसी जगह पर वापस जाता है जहां ये नीलामी हो रही थी और उसने जहां से ये घड़ी खरीदी थी। वहां जाने पर उसे उनमें से वो कोई भी नजर नहीं आते क्योंकि वो नीलामी सिर्फ उसी दिन तक सीमित थी। तभी राहुल को उसी जगह एक पान वाले की छोटी सी दुकान नजर आती है। उसमें बैठा वो बूढ़ा आदमी कब से राहुल को ही घूर रहा था। राहुल उसके पास जाता है, इससे पहले कि राहुल उससे कुछ कहता, लेकिन उससे पहले ही
वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा तुम वही हो ना जिसने वो मनहूस दीवार घड़ी खरीदी थी उस दिन। मैं तुम्हें उस दिन देख रहा था, तुम्हें रोकने के लिए मैं तुम्हारे पास भी आ रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे पास पहुंच पाता उससे पहले ही तुम अपनी कार लेके वहां से निकल गए बेटा। फिर राहुल ने उस बूढ़े आदमी से पूछते हुए कहा, तो दादाजी आप उस घड़ी के बारे में जानते हैं? फिर बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा मैं तो खुद हैरान था कि आखिर ये घड़ी नीलामी के सामान में कैसे पहुंची और उन लोगों ने किसी मासूम को ये घड़ी बेचने के बारे में सोचा भी कैसे। राहुल ने पूछा, दादाजी क्या जानते हैं आप इस घड़ी के बारे में? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ये दीवार घड़ी एक बहुत बड़ी हवेली में हुआ करती थी। हवेली के मालिक को भी ये घड़ी कहीं से मिली थी, लेकिन जैसे ही इस घड़ी को हवेली में लगाया गया, हवेली के हर सदस्य की मौत रहस्यमय तरीके से होने लगी। कहते हैं बेटा कि ये हवेली एक समय में बहुत संपन्न थी, लेकिन अचानक वहाँ के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगे थे। इसीलिए लोगों का कहना था कि उस हवेली में किसी बुरी शक्ति का वास था जिसने परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन असल में तो उस घड़ी के साथ ही उस परिवार के सदस्यों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। उस मनहूस घड़ी की वजह से हवेली वीरान हो गई थी, वहां रहने वाले सभी लोगों की तो मौत हो गई, और इस घड़ी के बारे में भी सबको पता चल गया था कि ये घड़ी अब भी उसी हवेली में मौजूद है, और हवेली के दूर से भी उस घड़ी की टिक टिक की भयानक आवाज लोगों को सुनाई देती थी। कभी कभी तो किसी बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज भी आती थी, और इसीलिए अब सब लोग उस हवेली से डरने लगे थे, और इसीलिए अब वहां कोई भी नहीं जाता। फिर राहुल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप मुझे उस हवेली का पता बता सकते हैं? फिर उस बूढ़े आदमी ने राहुल को उस हवेली का पता तो दे दिया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी, बेटा अगर तुम वहां जाने की सोच रहे हो तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, वहां बहुत सी भयानक आत्माओं का वास है बेटा। लोग कहते हैं कि जितने भी हवेली के लोग भी वहां मरे थे उनकी रूह भी अब वहां भटकती रहती है, और उन्होंने भी अब भयानक रूप धारण कर लिया है। वो वहां जाने वाले हर इंसान को अपना शिकार बना लेती है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। फिर बूढ़े आदमी ने आगे राहुल से पूछते हुए कहा, वैसे बेटा तुम वो घड़ी लेकर गए थे ना, क्या वो घड़ी अभी भी तुम्हारे पास ही है? तुमने उसे अपने घर में तो नहीं लगा दिया ना? आगे किसी को बेच दिया क्या? जो कोई भी उस दीवार घड़ी को अपने पास रखेगा वो अनहोनी को अपने पास बुला लेगा। बेटा बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वो बूढ़ा आदमी राहुल से बार बार सवाल पूछते जा रहा था, लेकिन राहुल अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैं हवेली जाऊंगा और अपनी शीतल की मौत का बदला लेकर रहूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और यही सब सोचते सोचते वो वहां से बिना कुछ बोले ही उस हवेली की तरफ निकल गया। राहुल अब घड़ी के इतिहास को और गहराई से जानने के लिए उस पुरानी हवेली के पास पहुंच जाता है। वो जानता है कि उसका ये फैसला बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन शीतल की मौत के बाद अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की वीरानी और खामोशी से एक अजीब सा डर महसूस होता है। हवेली का दरवाजा टूट चुका होता है और अंदर का हाल भी बेहद जर्जर होता है। दीवारों पर दरारें और छत से पुराने जाले लटके होते हैं। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध होती है, मानो वहां सालों से कुछ सड़ रहा हो। राहुल हवेली के हर कोने को ध्यान से देखता है, हर कमरे में उसे कुछ न कुछ अजीब महसूस होता है। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर राहुल हवेली के एक बड़े से कमरे में पहुंचता है जहां दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। तभी राहुल को याद आता है, ये तो बिल्कुल
वैसी ही भाषा है जैसी उस घड़ी पर लिखी हुई है। राहुल उस नेक को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कमरे में घुसते ही राहुल को महसूस होता है कि वहां की हवा बहुत ही भारी और ठंडी है। उसे ऐसा लगता है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़ता है, उसके पांव एक अजीब तरह की ठंडक महसूस करते हैं। कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक पड़ा हुआ होता है। राहुल उस ट्रंक को खोलने का फैसला करता है, और जब वो ट्रंक खोलता है तो उसमें पुराने दस्तावेज, पत्र और तस्वीरें मिलती है। राहुल ध्यान से उन दस्तावेजों को और पत्रों को पढ़ता है। इनमें से कुछ पत्र हवेली के मालिक द्वारा लिखे गए होते हैं, और उनमें वे घड़ी का उल्लेख करते हैं। पत्रों में बताया गया है कि घड़ी का प्रभाव हर नए मालिक पर पड़ता है। जब जब भी इस घड़ी को कोई नया व्यक्ति खरीदेगा, तब तब एक नई मौत की शुरुआत होगी। पत्रों में उन लोगों के नाम भी दर्ज थे जिन्होंने उस घड़ी को अपने पास रखा, और उसके प्रभाव के कारण वो लोग मारे गए। राहुल को आखिर में एक ऐसा पत्र मिलता है जो हवेली के अंतिम मालिक ने लिखा था। पत्र में लिखा होता है कि घड़ी में एक बुरी आत्मा का वास है जो सबसे पहले अपने शिकार को चुनती है और फिर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती है। आत्मा के कब्जे में आने के बाद वो अपने शिकार के जीवन की ऊर्जा चूस लेती है, और अंत में जब उसकी पूरी जीवन ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। राहुल की आंखों में आंसू होते हैं जब वो ये सब कुछ पढ़ रहा था। वो ये डिसाइड करता है कि मुझे कैसे भी करके इस घड़ी को ही खत्म करना है, क्योंकि अगर मैंने उस घड़ी को अपने ही घर में बंद करके रख दिया तब भी वो घड़ी वहां से गायब होकर किसी और के पास पहुंच सकती है, क्योंकि उसमें एक भयानक शक्ति का वास है जो एक के बाद एक कई मासूमों को अपना शिकार बनाती रहेगी। फिलहाल राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो हवेली से बाहर जाने के बारे में सोचता है और मन ही मन ये विचार करता है कि मुझे उन बूढ़े दादाजी से दोबारा मिलना होगा और उनसे किसी शक्तिशाली तांत्रिक के बारे में पूछना होगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर पाए। यही सोचते सोचते राहुल दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन तभी राहुल को दरवाजे के पास वही भयानक परछाई दिखाई देती है जो उसे उस रात शीतल के साथ अपने कमरे में नजर आई थी। वो परछाई धीरे धीरे उसे घेरने लगती है, लेकिन फिर भी राहुल वहां से तेजी से भागने की कोशिश करता है और हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो हवेली से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है और फुल स्पीड में अपनी कार को हवेली से काफी दूर ले जाता है। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हस्ती खेलती जिंदगी उस घड़ी की वजह से एक भयानक बुरे सपने में बदल गई थी। कार चलाते चलाते वो एक सुनसान जगह पर अपनी कार को रोकता है और शीतल को याद कर करके जोर जोर से रोने लगता है। वो चिल्ला चिल्ला कर उस सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में बस एक ही बात कह रहा था, शीतल काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और वो जोर जोर से रोए जा रहा था। तभी अचानक राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी कार की खिड़की पर कोई लड़की खड़ी है। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आसपास वीरान पड़ा जंगल और भयानक सन्नाटा। तभी राहुल ने कार की खिड़की के पास देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे शीतल वहां खड़ी है। वो अंदर बैठे बैठे ही कहने लगा, अरे शीतल तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना शीतल, अंदर आकर बैठो ना। तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? और इतना कहते कहते वो कार का दरवाजा खोलता है
और शीतल को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की परछाई पीछे की तरफ मुड़कर जंगल की ओर जाने लगती है। ये देखकर राहुल उसे पुकारने लगता है, शीतल शीतल तुम कहाँ जा रही हो? शीतल सुनो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे छोड़कर मत जाओ शीतल। फिर राहुल शीतल को पुकारते हुए उसके पीछे पीछे जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। शीतल की परछाई आगे आगे चल रही थी और राहुल शीतल शीतल करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। रात के उस भयानक सन्नाटे में राहुल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी अचानक से राहुल जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और अचानक ही राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। पूरी रात राहुल उस वीरान जंगल के बीचों बीच पड़ा था। सुबह राहुल की आंख खुलती है, वो शीतल शीतल चिल्लाते हुए ही उठता है, लेकिन उसे उसके आसपास कोई नजर नहीं आता। फिर से राहुल रोने लगता है और आंखों में आंसू लिए शीतल की यादों के साथ अपनी कार में आकर बैठ जाता है। अब राहुल घर वापस पहुंचता है। घर लौटते ही राहुल को महसूस होता है कि घड़ी के आसपास का माहौल और भी अजीब हो गया है। घर की सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, मानो किसी ने गुस्से में सब कुछ यहाँ वहाँ फेंक दिया हो। कमरे की हवा भी और ठंडी महसूस होने लगी। राहुल ने उस घड़ी की तरफ देखा और वो गुस्से और बदले की आग में जलने लगा। राहुल ने गुस्से में आकर उस घड़ी को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर जैसे ही राहुल ने घड़ी को हाथ लगाया, उसे दोबारा एक जोरदार झटका लगा और वो जाके कमरे के कोने में गिर पड़ा। उसके हाथों और पैरों में काफी चोटें भी आईं। वो जैसे तैसे उस दर्द में खड़ा हुआ और तभी अचानक से कमरे में एक जोरदार हंसी की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई भी उसे सुने तो उसका दिल दहल उठे। अब घड़ी की सुइया भी फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगती है, लेकिन राहुल ने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर खड़ा हुआ और उस घड़ी को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार उस घड़ी की टिक टिक इतनी तेज हो गई कि राहुल के कानों में तेज दर्द होने लगा। अब तो कमरे में तेज हंसी की आवाजें, बच्चे के रोने की आवाजें, उस घड़ी की टिक टिक की आवाजें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि राहुल उन आवाजों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और दोबारा बेहोश हो गया। राहुल की जिंदगी अब जीते जी नर्क के समान हो गई थी। काफी देर बाद राहुल को होश आया। उसने देखा कि घर का सारा सामान दोबारा सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद था। घड़ी की टिक टिक और वो भयानक आवाजें भी अब बंद हो गई थी। राहुल को अब ऐसे लगने लगा था कि अब वो धीरे धीरे पागल हो जाएगा, पर उसने ये भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घड़ी को खत्म करके रहूंगा। राहुल हवेली से भागते वक्त अपने साथ वो सारे दस्तावेज और पत्र भी लेकर आया था। अब वो बैठकर ध्यान से उन दस्तावेजों को दोबारा पढ़ता है। तभी अचानक राहुल को अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है। वो उसका काफी पुराना और अच्छा दोस्त था और वो एक इतिहासकार था और उसका नाम था विक्रम। विक्रम पुरानी वस्तुओं और उनके इतिहास का विशेषज्ञ था और राहुल को लगा कि वो इस घड़ी के रहस्यों को उजागर करने में उसकी मदद कर सकता है, और यही सोचकर उसने विक्रम को कॉल किया और अब तक हुई सारी घटनाएं उसे बता दी और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। विक्रम अपने दोस्त की ये हालत सुनकर तुरंत उसके घर पर आ गया। राहुल के घर पर पहुंचकर उसने राहुल को संभाला और उस दीवार घड़ी को ध्यान से देखा और हवेली के दस्तावेजों को भी पढ़ा। काफी देर उसका निरीक्षण करने के बाद
विक्रम ने बताया कि ये घड़ी केवल एक साधारण यंत्र नहीं है, ये एक प्राचीन जादुई वस्तु है जो किसी बुरी आत्मा की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए है। विक्रम ने घड़ी के जादुई प्रभाव को खत्म करने के लिए एक विशेष पूजा करवाने का सुझाव दिया ताकि उस बुरी आत्मा को शांत किया जा सके। फिर राहुल और विक्रम ने एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया और तुरंत ही पूजा शुरू करवा दी। वो बस जल्द से जल्द इस घड़ी को समाप्त कर देना चाहता था। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, तांत्रिक का मंत्रोच्चारण आगे बढ़ रहा था, घड़ी के आसपास की ऊर्जा में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। पूजा के दौरान घड़ी की टिक टिक और आवाजें अचानक से और तेज हो गई, लेकिन फिर भी इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए राहुल और विक्रम भी तांत्रिक बाबा द्वारा बताई गई विधि को करते जा रहे थे। कुछ घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो आवाजें उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उस अदृश्य शक्ति को खुद पर हावी ना होने देकर वो तीनों पूजा करते रहे और आखिरकार पूजा समाप्त हो गई और वो भयानक आवाजें भी बंद हो गई। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त हुई, विक्रम अचानक से बेहोश हो गया। राहुल ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की सांसें बहुत धीमी हो गई थी और विक्रम की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाता, विक्रम ने भी राहुल की गोद में सर रखे हुए अपना दम तोड़ दिया और उसकी भी मौत हो गई। राहुल, जो अब तक शीतल की मौत के सदमे से भी उबर नहीं पाया था, उसे अब अपने दोस्त की मौत का सदमा भी झेलना पड़ा। वो दोस्त जो सिर्फ उसकी मदद करने आया था और अपनी ही जान गंवा बैठा। राहुल अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, इन सब की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, मेरी वजह से, मेरे अपनों ने जान दे दी। उन तांत्रिक बाबा ने राहुल को संभालने की बहुत कोशिश की। राहुल ने रोते हुए बाबा से पूछा, बाबा आखिर विक्रम की मौत कैसे हुई? क्या हमसे पूजा में कोई गलती हो गई थी? फिर बाबा ने कहा, बेटा वो शक्ति बहुत भयानक थी और सालों से वो लोगों को अपना शिकार बना रही थी। इस पूजा के कारण उसे इस घड़ी को छोड़कर जाना ही पड़ा, लेकिन जाते जाते वो अपने अंतिम शिकार के रूप में विक्रम को ले गई। बेटा होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक होती है, ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली और बहुत बुरी होती है, जाते जाते भी वे अपना विनाश छोड़कर ही जाती है। राहुल बेचारा ये सब सुनकर अब कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा था, वो बस रोए जा रहा था। फिर उस तांत्रिक बाबा ने उस दीवार घड़ी को वहां से उतारा। राहुल ने रोते रोते विक्रम की चिता को अग्नि दी और तांत्रिक ने भी कुछ मंत्रोच्चारण करके उस घड़ी को अग्नि में समर्पित कर दिया। तांत्रिक राहुल को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया और उससे कहा, बेटा अब वो बुरी शक्ति हमेशा के लिए जा चुकी है, बीती बातों को, यादों को भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो बेटा। और इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए। लेकिन राहुल बस ऐसे ही अपने सदमे में खोया, आंखों में आंसू और गम लिए विक्रम की चिता के पास बैठा रहा। कई कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद आधी रात को राहुल वहां से उठा और अपनी कार में बैठकर बेसुध होकर बस कार चलाने लगा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सड़क पर बस राहुल की कार चल रही थी। राहुल को अब कोई सुध बुध नहीं थी,
वो दुख के सागर में डूबा हुआ सा था। एक गहन सदमे में खोया हुआ वो बेचारा बस यूं ही कार चलाए जा रहा था। तभी अचानक राहुल ने एक बीच के पास अपनी कार रोकी और बीच के किनारे जाकर बैठ गया। वो बस आंखों में आंसू लिए शीतल की यादों में उन समुद्र की लहरों को देख रहा था। तभी शीतल की आवाज उसके कानों में फिर से गूंजने लगी और वो कह रही थी, राहुल मैंने तुम्हें कितना मना किया था फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जान गंवानी पड़ी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और शीतल की यही सारी बातें राहुल के दिमाग में उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद राहुल को अपने सामने शीतल नजर आने लगी। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ा के राहुल को अपने पास बुला रही हो। राहुल शीतल को देखकर उसकी तरफ जाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर शीतल को अपनी आंखों के सामने देखने की खुशी। वो धीरे धीरे शीतल की तरफ आगे बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। और इसी तरह शीतल की तरफ आगे बढ़ते हुए न जाने कब राहुल भी उन नहरों में कहीं खो गया और शीतल की आत्मा में समा गया और राहुल की भी वही मौत हो गई। कुछ पलों बाद उन समुद्र की लहरों से एक धीमी सी आवाज आई, आखिर तुम मेरे पास आ ही गए राहुल। मैं आपको सच बताऊं तो इस कहानी का लास्ट सीन लिखते वक्त मेरी खुद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर बीती हूँ। खैर, आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ही आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप चैनल पर अपलोडेड बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।